नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खेल एकता संघर्ष युवा मंडल के संस्थापक नरेंद्र खत्री खटीक ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर संस्था कार्यालय थाटीपुर पर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अलग अलग समय पर समाज के विकास हेतु कार्य करती रहती है। युवा वर्ग को खेलों के प्रोत्साहन हेतु वर्ष भर आयोजन एवं शिविर आयोजित करती रहती है। आज कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, हरीश मेवा पुरुष, उमेश भरदौरिया, पुरुषोत्तम बनोरिया, महेश कौरव, हरेंद्र खटीक, मुन्नालाल खटीक, राम नरेश दोहरे, रामेश्वर राजपूत मौजूद रहे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में ग्वालियर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रेमी प्रदीप लाशने, युवा पत्रकार सागर शर्मा, पत्रकार आलोक सक्सेना, दीपक शर्मा, विनय त्रिवेदी, विकास गुप्ता, ईश्वर चंद, सलीम खान, मॉडलिंग के क्षेत्र में अभिषेक वर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों का सम्मान संस्था द्वारा किया गया। आप क्षेत्र की जनता को क्या सौगात देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को स्वागत मिलने उनका सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और आशीर्वाद ही हमारे लिए काफ़ी है। उनके आशीर्वाद से आगे अगर भविष्य में हमारा संगठन बढ़ेगा तो हम अपने क्षेत्र की जनता, अपने भाई और पूरे बाढ़ के निवासियों को अपने साथ कंधा से कंधा मिलाकर भाई बहन पिता से मिल जाकर सम्मान परिवार के साथ साथ में लेकर चलें। आपकी क्या योजना है बाढ़ को लेकर? बाढ़ के लिए तो हमारा देखो हमें एक मान के चलो समाज से भी है। हमारा ऐसा भी लक्ष्य नहीं है कि हमारे भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, जैसे कोई फाइनल नहीं है कि लड़ें, मगर हमारा उद्देश्य है कि गरीब बेसहारा लोगों को जमीन से उठाकर और उनको इस काबिल बनाएं कि आगे भविष्य में जा सकें और अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे मॉडलिंग कलाकार बने, एक्टिंग में जाएं। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, जैसे आज ग्वालियर में फिल्म एक्टिंग चल रही है जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन जी कई एक्टिंग, जिसमें हमारे 300-400 युवा साथी प्रतिदिन भाग ले रहे हैं।